अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आज के व्लॉग का सीन कुछ ऐसा है कि यार आज के व्लॉग में आपको दिखाने लगा हूँ वही होंडा सिविक RS टर्बो, और ये बेसिकली लेटेस्ट वाली है, 2022 मॉडल है। बहुत ही ज़्यादा मज़े की गाड़ी है, खासकर इसके जो फीचर्स हैं आपको प्रॉपर दिखाएंगे गाड़ी आई डिटेल से, और क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या नई चीज़ें हैं सब आपको बताएंगे। गाड़ी भाई बहुत ही चस्क करवाती है, मुझे तो पूरी प्रॉपर इसके अकॉर्ड वाली फीलिंग आती है। बाकी मुझे कौन सा बताना है, दिखाते हैं आपको जरा गाड़ी। ये आप ज़रा चेकआउट कर सकते हो यार, ब्यूटी को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार, मुझे तो प्रॉपर इसमें अकॉर्ड वाली फीलिंग आने लगी है। ठीक है, तो चलें व्यूअर्स आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे साथ साथ। आते हैं सर इसके टेल लैंप की तरफ, तो यार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसका टेल लैंप है, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर आ जाए तो आपको सिविक की बैजिंग मिल जाएगी, इससे ऊपर आप स्पॉइलर चेकआउट कर सकते हो जो कि RS टर्बो में ही आता है सिर्फ, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पियानो ब्लैक फिनिश में मौजूद है, सेंटर में होंडा का लोगो, उसके साथ यहाँ पे आपको छुपा हुआ कैमरा भी मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको प्यारी सी RS की बैजिंग जो कि ये शो करवाती है कि भाई ये नॉर्मल सिविक नहीं है, ये RS टर्बो है। ये आप कुछ इसकी की चेकआउट कर सकते हो भाई, आपको होंडा का लोगो मिल जाएगा, और की में क्या क्या फंक्शन है, लॉक अनलॉक का, और यहाँ से आप गाड़ी स्टार्ट भी कर सकते हो। इसका ट्रंक ओपन करना है तो आप यहाँ से बटन प्रेस करके इसका ट्रंक भी ओपन कर सकते हो, जो कि हमने कर लिया है। आपको इसका ट्रंक दिखाते हैं भाई, ये आप चेकआउट कर सकते हो कुछ इसका ट्रंक। स्पेस की बात करें तो अंदर अच्छी स्पेस है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। नीचे स्पेयर व्हील और टूल किट वगैरह मौजूद है। ठीक है, और मेरे ख्याल में 2 से 3 टैची तो इजीली आ जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बूट स्पेस है। ठीक हो गया, तो बंद करते हैं। इसकी बैक स्क्रीन की तरफ आते हैं, तो बैक स्क्रीन में आप चेकआउट कर सकते हो, आपको डिफॉगर मिल जाएगा, स्टॉप लैम्प मौजूद है, ऊपर आपको एंटीना मिल जाएगा जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, नीचे आते हैं ज़रा, नीचे आप चेकआउट कर सकते हो, रिफ्लेक्टर्स मौजूद हैं, उसके साथ साथ नीचे आपको डुअल एग्जॉस्ट पाइप मिल जाएंगे, दूसरा वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ठीक हो गया, और ब्लैक क्लाइडिंग दी है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। आप रियर से एक दफ़ा दोबारा इसकी फुल लुक चेकआउट कर सकते हो यार, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक है इस सिविक की। आते हैं ज़रा साइड प्रोफाइल की तरफ, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो इसकी करेक्टर लाइन जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रनाउंसड है, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक इसको दे रही है। अलॉय व्हील्स की डिज़ाइन की तरफ आते हैं, तो आप इसके अलॉय व्हील का जो डिज़ाइन भी चेकआउट कर सकते हो, 17 इंच की अलॉयस हैं, 215/55/17 की आपको प्रोफाइल मिलेगी, और डोर ओपनर आप चेकआउट कर सकते हो, पियानो ब्लैक फिनिश में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहे हैं। चलें इसका रियर डोर ओपन करते हैं हम ज़रा कुछ, ये आप इसके डोर की कुछ लुक चेकआउट कर सकते हो यार, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रीमियम लुक आ रही है। ठीक है, ऊपर हम जरा क्वालिटी को चेकआउट करें। ठीक है, तो प्रॉपर आपको सॉफ्ट मटेरियल दिया गया, डोर ओपनर यार काफ़ी बड़े डिज़ाइन में मिल जाएंगे। ठीक है, और अल्मीनियम फिनिश में है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक तो प्रीमियम फील दे रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, पावर विंडो आपको मिल जाएगी, यहाँ पर भी टेक्स्चर आपको दिया गया। ठीक है, उसका लेदर स्टिच में आपको यहाँ पर प्रॉपर सॉफ्ट मटेरियल दिया गया, उसके साथ साथ कप होल्डर, आप इसे बॉटल होल्डर भी कह सकते हैं, उसके साथ साथ आपको मिल जाएगा स्पीकर। ये है मतलब इसकी कुछ डोर की लुक। ठीक हो गया, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डोर है इसका। अब आते हैं जरा रियर सीट्स की तरफ, तो भाई रियर सीट्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, आप चेकआउट कर सकते हो यार, लेदर में इसकी सीट्स मौजूद हैं, पीछे आपको 3 हेडरेस्ट दिए गए, आर्मरेस्ट मौजूद है। ठीक है, सीट बेल्ट, आइसोफिक्स के माउंट, प्रॉपर मतलब आपको हर चीज़ मिलेगी, और क्योंकि सिविक काफ़ी ज़्यादा डाउन होती है इस वजह से इस गाड़ी का जो कम्फर्ट लेवल है मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। रियर पर आप चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी बड़े साइज़ की सीट है जिसपे मतलब आप बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबली बैठ सकते हो, बाकी सीट पॉकेट भी मौजूद है। रियर पे एसी वेंट वगैरह वाला भी सारा सीन मौजूद है। ठीक हो गया, ऊपर लाइट्स मौजूद हैं, हैंडल्स मौजूद हैं, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, निकाल के दिखाता हूँ भाई आपको, हैंडल मौजूद हैं प्रॉपर, मतलब आपको सारी चीज़ें मतलब मिल जाएंगी, प्रॉपर कंफर्ट लेवल इसकी रियर सीट पे मौजूद है। बंद करते हैं ज़रा फ्रंट डोर की तरफ आते हैं, ये ज़रा इसका कुछ फ्रंट डोर की लुक, उस तरह आपको डोर ओपनर मिल जाएगा, पावर विंडो, डोर लॉक अनलॉक का फंक्शन है, नीचे बॉटल होल्डर, स्पीकर, और यहाँ पे आपको प्रॉपर लेदर दिया गया स्टिचिंग के साथ। और ये है व्यूअर्स कुछ इसका इंटीरियर जो कि यार बहुत ही चस्क करवाता है। फ्रंट सीट्स की बात करते हैं, तो आप इसकी सीट भी चेकआउट कर सकते हो यार, फ्रंट जो सीट्स हैं ना मुझे प्रॉपर ये बकेट टाइप लग रही है। ठीक है, एक तो यार इनका बैठने का मतलब स्टाइल जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, नीचे थोड़ी डाउन होती हैं, इस वजह से आपको प्रॉपर कम्फर्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इंटीरियर बैठ के प्रॉपर इंटीरियर की बात करेंगे, अभी सर आपको इसका एक्सरे दिखाते हैं, पर आप चेकआउट कर सकते हो, सनरूफ भी मौजूद है। इसको और भी हम की तरफ आते हैं, अब इसको और भी हम चेकआउट कर सकते हो, पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ पे आपको साइड एंड सिग्नल दिया गया, और इसकी करेक्टर लाइन भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, कुछ 17 इंच की अलॉयज हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अलॉयज इसमें मौजूद है। आते हैं ज़रा इसकी कुछ फ्रंट लुक की तरफ, तो ये आप इसकी कुछ चेकआउट कर सकते हो, फ्रंट लुक यार फ्रंट से तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, आते हैं ज़रा इसके हेडलैम्प की तरफ, तो LED बेस्ड हेडलैम्प है इसमें, और आपको DRL का फंक्शन मिल जाएगा, क्रोम के हाईलाइट्स प्लस आपको जो पियानो ब्लैक के हाईलाइट्स दिए गए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। नीचे आपको फॉग लैंप मिल जाएंगे, सराउंड पे ब्लैक क्लाइडिंग मौजूद है। इसकी ग्रिल की बात करें तो सबसे पहले भाई आप ऊपर आ जाए तो आपको RS का लोगो मिलेगा, ग्रिल आप चेकआउट कर सकते हो मैट ब्लैक फिनिश में, और फ्रंट फेसिंग कैमरा भी मौजूद है इसमें, नीचे भी आप ग्रिल इसकी चेकआउट कर सकते हो।
इस तरफ से आपको कुछ लुक चेकआउट करा देता हूँ भाई। ओए होए होए क्या अंत लुक आ रही है इस सिविक की, ठीक है। मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना यार ये वाली सिविक की जो जनरेशन आप किस तरह की लगी है। कुछ लोग कहते हैं कि यार इतनी खूबसूरत नहीं है, बट मेरे लिहाज से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किस्म की गाड़ी है, ठीक है। तो पुरानी जनरेशन अपनी जगह अच्छी है, बट ये जो है ना भाई ये अलग ही चीज़ है, ठीक है। चले वो ज़रा अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और इंटीरियर में देखते हैं कि इंटीरियर में क्या मौजूद है। यार स्मार्ट एंटी सिस्टम इसमें मौजूद है, ठीक है। डोर आप एक दफ़ा चेकआउट कर लें इसका, ठीक है। डोर ओपनर मिल जाएगा अल्यूमिनियम फिनिश में, रिट्रेक्टेबल ओरिमिंग का बटन है, ठीक है। डोर लॉक का बटन है, विंडो लॉक का बटन है, पावर विंडोज आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे आपको जो फिनिशिंग दी गई है बहुत ही खूबसूरत है, प्रॉपर आपको लेदर स्टिच में आपको यहाँ पे प्रॉपर सॉफ्ट मटेरियल दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे आते हैं आपको बॉटम होल्डर और साथ स्पीकर मिल जाएगा। और ये है कुछ इसका इंटीरियर, ओए होए क्या अंत इंटीरियर यार। पियानो ब्लैक फिनिश जो है ना भाई एक अलग ही लुक निकल के आती है पियानो ब्लैक से, ठीक है। इंटीरियर की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, पियानो ब्लैक तो भर भर के इस गाड़ी में मौजूद है। चलें बस इसके इंटीरियर में बैठते हैं, आपको ज़रा प्रॉपर डिटेल से सारी चीज़ें दिखाते हैं। आ चुका हूँ वेज कुछ इस गाड़ी के इंटीरियर में, आप चेकआउट कर सकते हो। स्टीयरिंग व्हील पे आते हैं, सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील कौन सा अभी क्या सीन है। स्टीयरिंग व्हील का मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील है, SRS एयरबैग है, आपको होंडा का लोगो मिल जाएगा। इस तरफ आपको क्रूज कंट्रोल के रिलेटेड सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, ठीक है। स्पीड लिमिटर के साथ है क्रूज कंट्रोल। इधर आते हैं भाई वॉल्यूम के कंट्रोल्स, आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ वॉइस कमांड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ये आपको प्लस एंड माइनस नजर आ रहा होगा। इसमें पैडल शिफ्टर्स भी मौजूद है क्योंकि भाई ये 1.5 टर्बो है तो पैडल शिफ्टर्स तो होने वाले ही हैं भाई। इधर आते हैं भाई हेडलैम्प के कंट्रोल सारे आपको मिल जाएंगे, इस तरफ वाइपर के सारे कंट्रोल्स हैं। इसके डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड की क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है, सॉफ्ट मटेरियल इसमें दिया गया जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है भाई। SRS एयरबैग आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा, दूसरा आपको स्टीयरिंग व्हील पे जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। AC वेंट का जो डिजाइन है बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, मेरे हाल में मैंने तो आज से पहले मतलब किसी गाड़ी में इस तरह का नहीं देखा, बहुत ही ज्यादा मतलब खूबसूरत है और न्यू डिजाइन है ये जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। एक मैश ग्रिल दी गई है, उसके साथ साथ आपको बेसिकली AC वेंट जो है यहाँ तक ये, ठीक है। आगे आपको प्रॉपर ये मैश ग्रिल पूरी दी गई है, बट आपको AC वेंट यहाँ पे दो मिलेंगे और एक वहाँ पे, और चौथा AC वेंट आपको यहाँ पे दिया गया, ठीक है। प्रॉपर पूरा AC वेंट नहीं है बट ये AC वेंट है और वो प्रॉपर एक डिजाइन है। और नीचे आ जाते हैं तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल। पहले हम जरा गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आपको भी छुपा हुआ पुश स्टार्ट मिलेगा, चेकआउट कर सकते हो, आपको आ जाएगा नजर। हाँ ये रहा, हम जरा इसको प्रेस करेंगे और इसके मीटर को एक दफा ऑन कर लेंगे, ठीक हो गया। आपको जरा लुक कुछ आ जाए इसके मीटर की, पहले मीटर दिखाते हैं उसके बाद इसका आपको क्लाइमेट कंट्रोल दिखाएंगे, ठीक हो गया। बारी बारी लेके चलेंगे, यहाँ से आप कुछ इसकी ब्राइटनेस को सेट कर सकते हो या आप चेकआउट कर सकते हो लो, और यहाँ से भाई हो जाएगी कुछ इसकी ब्राइटनेस हाई, हाई पे कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर नजर आ सके भाई। 260 पे इसकी टॉप स्पीड है, 8000 आपको RPM दिया गया है। स्पीड आपको डिजिटल में भी मिल रही है और एनालॉग भी, दोनों में आपको स्पीड मिल जाएगी। डोर ओपन है इसकी इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। अभी इको मोड में है, इकोन मोड में है, ठीक हो गया। अभी आपको आउटसाइड टेम्परेचर दिखा रहा है 23°C, ठीक है। उसका पार्किंग में दिखा रहा है, ठीक है। मतलब बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ड्राइव मोड की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएंगे भाई 3 ड्राइव मोड, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं ड्राइव मोड्स। अब चेकआउट करो, इस तरह आप ये चेकआउट कर सकते हो। स्पोर्ट मोड में यहाँ पे टायर का ऑप्शन आ गया और मतलब चीखे निकलवानी है इसमें आपने टायर की, ठीक हो गया। तो ये उसके लिए स्पोर्ट्स मोड है, नॉर्मल मोड है और इकोन मोड है, ठीक है। इसमें आपको एवरेज मिलेगी अच्छी, इसमें आप नॉर्मल चलाओगे गाड़ी, ठीक है, आपको पिक भी मिलेगी सब कुछ। और स्पोर्ट्स मोड में तो गाड़ी अग्रेसिव हो जाएगी, ठीक है। सिंपल से 3 मोड है, ठीक हो गया। और लुक आप यहाँ से कुछ चेकआउट करो, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक आ रही है, मतलब ड्राइव करते हुए आपको ये कुछ लुक आएगी, ठीक है, मीटर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक है, ठीक है। बाकी मुझे आपको मैं सेक्शन बता सकते हैं कि आपको किस तरह का लगा भाई इसका कुछ मीटर, ठीक हो गया। अब आते हैं ज़रा भाई इसके क्लाइमेट कंट्रोल की तरफ, ऑन कर लेते हैं इसके AC को। आवाज़ आपको मतलब आवाज़ से समझ आ ही रहा होगा कि AC जो इसका कमाल का, बेसिकली डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, जैसे कि आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से आप ऑटो करना चाहते हो तो आप ऑटो भी कर सकते हो। फ्रंट और रियर डिफॉगर के बटन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने मैक्स कूल करना है तो आपको ये भी ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा, मतलब आप AC को आना है, आपने एक बटन दबाना है मैक्स कूल का तो आपका AC फुल पे हो जाएगा, ठीक हो गया। इसको जरा ऑन करते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा भाई सिग्नल लाइटर, उसके साथ आपको एक पोर्ट मिल जाएगी, यहाँ पे आपको प्रॉपर स्पेस दी गई है। पीछे आते हैं भाई, आपको मिल जाएगी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो कि 1.5 CVT ट्रांसमिशन है, CVT ट्रांसमिशन है, 1.5 इसका इंजन है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ड्राइव मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ब्रेक होल्ड का फंक्शन, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 2 कप होल्डर्स, ठीक हो गया। आर्मरेस्ट को ओपन करें, इसमें भी अच्छी स्पेस मौजूद है, ठीक है। आर्मरेस्ट भी काफी ज्यादा अच्छी लगी है, लेदर स्टिच में है।
अब जरा बात करते हैं इसकी कुछ सीट्स की। यार सीट्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं, ठीक है। और प्रॉपर बकेट टाइप वाली फील दे रही हैं, मतलब सीट आपको पकड़ के रखती हैं। बाकी अगर आप इस न्यू वाली सिविक में बैठे हो, ठीक है, तो आप मुझे इसके कम्फर्ट लेवल के बारे में जरूर बता सकते हो कि आपको इसका कम्फर्ट किस तरह का लगा। ऐसी बात है, बंदा लॉन्ग जर्नी में जा रहा है तभी इसका कम्फर्ट का सही तरीके से अंदाजा होने वाला है। बाकी यहाँ पे आ जाए तो इस तरफ से भी आप इसी इवेंट चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। नीचे आ जाए तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, ठीक हो गया। और यहाँ से आपको बताया था कि इसका जो बेसिकली मीटर है उसके आप ब्राइटनेस को सेट कर सकते हो। इसको जरा हम ओपन करें सनशेड में, तो वेंटी मेरा मौजूद है और सनग्लासेस होल्डर मौजूद है, ठीक हो गया। रियर व्यू मेरा आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसकी क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है यार। ऊपर आते हैं भाई, तो ऊपर सनरूफ के शीशे मौजूद हैं, ठीक है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। यह सनरूफ तो मेरे हाल में लाजमी है, बट इसमें मौजूद है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक हो गया। इंटीरियर मुझे बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगा इसका। ग्लव बॉक्स ओपन कर लें तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, काफी अच्छी स्पेस मिलती है, काफी आराम से भाई नीचे आता है। यार मैं एक चीज से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हूँ कि अब ये बेसिकली पाकिस्तानी गाड़ी है, ठीक है, तो हर जगह मतलब कहाँ पे भी आप टच करते हो ना प्लास्टिक, कहीं भी आपको मतलब प्लास्टिक नजर आ रहा है, आप फील कर रहे हो प्रॉपर आपको जैसे जापानीज गाड़ियों की क्वालिटी होती है, तो मैं उन गाड़ियों से कंपेयर कर सकता हूँ। क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही ज्यादा बेटर होती जा रही है, ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। यार हमने मीडिया तो उसका छोड़ दिया, हमने साइज ऑलमोस्ट कवर कर ली है, बट इसका यार मल्टीमीडिया हम कवर नहीं कर सके अभी तक। जरा हम पहले एसी को बंद कर देते हैं, अब जरा हम इसका कवर करते हैं भाई मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में क्या क्या चीज़ें हैं साई आपको प्रॉपर डिटेल से दिखाते हैं, ठीक हो गया। आपको जरा नजर नहीं आ रहा होगा, मैं जरा यहाँ से करके आपको दिखा देता हूँ, ये आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ऑन है, ऑफ नहीं है ये, ठीक है। मल्टीमीडिया में क्या क्या है, बैक पे चलते हैं भाई, होम पे कहाँ से जाएंगे, अच्छा यहाँ से होम का बटन है, ठीक है। ये भाई इसका होम आ गया, होम पेज, ठीक है। नेविगेशन मौजूद है, ब्लूटूथ का ऑप्शन है, म्यूजिक, एप्स में चेकआउट कर लेते हैं। टच की बात करूं तो यार अच्छा है टच इसका, नॉट बैड, अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे आपको कार की सेटिंग मिल जाएंगी, ठीक है, वीडियो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बैक कर लेते हैं, अच्छा कैमरा भी मौजूद है यार, ये आप चेकआउट करो, जैसे सिविक एक्स में था उस तरह इसमें भी मौजूद है, ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है। एप्स में आ जाते हैं तो आपको YouTube मिल जाएगा, YouTube आपने BK Vlogs पे जाना है और उसको सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करते यार आप लोग, सब्सक्राइब करना तो मस्ट, आपको पता है, सब्सक्राइब करोगे तो हम जल्दी जल्दी आगे जाएंगे और जल्दी जल्दी हम आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी हैं, बट आप सब्सक्राइब करोगे तो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकेंगी, ठीक है। हम इसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। जब चेकआउट करो ऑन करना तो यहाँ से ऑन भी कर सकते हो, ठीक हो गया। बाकी होम पे जा सकते हो, यहाँ से बैक कर सकते हो, सारे ऑप्शन इसमें ऑलमोस्ट मौजूद हैं, ठीक है। म्यूट कर सकते हो, ठीक है, वीडियोस देखनी है, ठीक है, फाइल मैनेजर, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि मेरे हाल में इसमें होनी चाहिए। ऑक्स मिल जाएगी आपको, ठीक हो गया। तो ये है कुछ इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, टच अच्छा है इसका, ठीक है। और उसके साथ साथ इसकी जो पोजीशन है मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। और अगर आप यहाँ से कंट्रोल करना चाहते हो तो यहाँ से इसका मल्टीमीडिया कंट्रोल कर सकते हो, आप चेकआउट कर लो, सारी चीज़ें आप यहाँ से बैठे भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक हो गया। भाई 300 किलोमीटर के बाद मैं बाएं जाने मुड़ जाता हूँ। बाकी वर्ज ये है कुछ इसका इंटीरियर, बहुत ही ज्यादा मजेकर, क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगी है। सीट्स खासकर मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगी हैं, इंटीरियर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, एक्सटीरियर तो भाई चस्कर आ रहा है, पूरी मतलब चस आ रही है, ठीक हो गया। तो बाकी वर्ज ये है कुछ गाड़ी यार, होंडा सिविक 2022 मॉडल लेटेस्ट जनरेशन। आपने मुझे बताना है कि ये वाली सिविक आपको किस तरह की लगी है और आप इसको बाय करने में इंटरेस्टेड हो या नहीं। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो सिविक एक्स जो है ना मेरे लिए, वो आप समझो कि सारी जितनी भी पाकिस्तान में गाड़ियां, सिविक एक्स पाकिस्तानी गाड़ियों में मेरी फेवरेट गाड़ी है, इससे जो पिछली जनरेशन है। बट मैं इसको भी रखना चाहूँगा क्योंकि ये एक तो प्रॉपर आपको फील देने वाली गाड़ी है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। पिछली जनरेशन थोड़ी मॉडर्न गाड़ी है, ठीक है, ये एक मतलब एक डिसेंट वे में चली गई है, ठीक है, तो जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। अभी जरा बाय चलते हैं, आपको जरा बताते हैं इसकी डिटेल, उसके साथ साथ हम इसका बॉनेट ओपन करके इसका इंजन भी चेकआउट करते हैं। भाई इंजन का क्या सीन है, अब जरा चेकआउट करते हैं भाई इसके इंजन बे में क्या मौजूद है। भाई इसके इंजन बे में मौजूद है होंडा का 1.5 लीटर टर्बो इंजन। यार ये जो 1.5 लीटर टर्बो इंजन है ना होंडा का, ओए होए होए, जो ये पावर प्रोड्यूस करता है नेक्स्ट लेवल, बहुत ही यार मजे के पावर एंड टॉक के फिगर्स हैं इसके। और खासकर मैं एक चीज़ अभी नोट कर रहा था, मैंने इसका बॉनेट ओपन किया है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव होगी। अभी मैंने इसके इंटीरियर में भी चेकआउट किया है, इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, ठीक है, मतलब आपको हर चीज़ बहुत बेटर मिलने वाली है इस सिविक में, ठीक है।
पिछले में लोग छापा छापर कहते थे, वो इस वजह से कहते थे कि वो 200 पे जाके यार वो मतलब हिलती थी। और भाई 200 एक गाड़ी की जो लिमिट है, आप उससे ऊपर गाड़ी को लेके जाओगे तो वो जाहिर सी बात है उसने भाई हिलना तो है। आप ऑडी अगर 300 पे जाती है तो आप इसको 305 या 310 पे लेके जा रहे हो, पास से ट्रक गुजरे तो वो भी तो हिलेगी ना भाई, क्यों नहीं हिलेगी। एक चीज़ की आप बिल्कुल टॉप एंड को टच कर रहे हो और आप कह रहे हो कि यार बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें मतलब वो हिर रही है और ये वो, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें होती हैं। मेरे ख्याल में सिविक एक्स जैसी गाड़ी कोई नहीं है, ठीक है, वो अपनी लीग की बहुत ही टॉप एंड की गाड़ी है। और ये जो है ना जिसने तो भाई ये किंग गाड़ी है, बहुत ही मज़े की गाड़ी है। खासकर इसमें तो बिल्ड क्वालिटी भी इंप्रेसिव होगी है और इंजन तो आपको पता है कि भाई ये इंजन बहुत ही मज़े का 1.5 लीटर टर्बो इंजन, बहुत ज़्यादा पावर और आजकल ये एवरेज बहुत अच्छी देता है, तकरीबन 12 से 15 की एवरेज देता है एक 1.5 लीटर इंजन। और एक सेडान, इतनी बड़ी सेडान आपको एक अगर 15 से 18 की एवरेज देती है तो मेरे ख्याल में बहुत ही बेस्ट चीज़ है। बाकी बस इंजन में तो आप इसका चेकआउट कर ही लिया, ठीक है। अब ज़रा आपको बता देते हैं इसकी डिटेल, क्या डिटेल है भाई इसकी। ये है वर्स होंडा सिविक 2022 मॉडल है और बहुत ही मज़े की गाड़ी है। 47,000 में हमें कुछ चली हुई है, ठीक है। और ये मौजूद है व्यूअर्स, आप ज़रा ऊपर चेकआउट कर सकते हो कारवार इंटरनेशनल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप इसकी डील ग्रैब कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप इजीली कॉल करके कोई भी अगर आप इंक्वायरीज करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। बाकी व्यूअर्स यार मेरे अंदाज से ये सिविक जो है ना बहुत ही चस की चीज़ है, ठीक है। अगर आप बाई करना चाहते हो आप डेफिनेटली कर सकते हो, मैं आपको डिटेल दे दिया। अपने शोरूम पर विजिट करना है, G8 में इनका शोरूम है, आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हो। चले बस आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता है, उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया, आपको पसंद है चैनल को लाइक शेयर करें मस्ट। चले आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।